हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमारा यूजीसी नेट मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हमने डे वन के अंदर कुछ क्विजेस अटेम्प्ट करे थे, सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो आप हमारे डे वन के वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट आपको डे टू की वीडियो इजीली समझ आ जाए। तो चलिए हम कुछ और फर्दर क्वेश्चंस ओबी के अटेम्प्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। अभी जो सीरीज चल रही है इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप क्विजेस टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्विज को बिगिन करना है और बाकी स्टेप्स मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में समझा दिया था। तो चलिए हम एक एक करके क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सो आज भी हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, रॉबर्ट एल कैट क्लासिफाइड द मैनेजीरियल स्किल्स इंटू 3 कैटेगरीज एंड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट व्हाट आर द स्किल्स दैट मिडल लेवल मैनेजर शुड फोकस ऑन। अब देखिए, एज यू नो कि मैनेजर्स के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सो वो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग का काम करते हैं। मिडल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली डायरेक्टिंग का काम करते हैं। डायरेक्टिंग के काम में वो लोअर लेवल मैनेजर्स को वर्क एलोकेट करते हैं सो दैट उनका काम एफिशिएंटली एक स्केलर चैन के थ्रू चलता रहे। देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम टॉप लेवल के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होता है उसको प्लानिंग करनी होती है और ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन शेड्यूल करना होता है। सो देखिए, इनके लिए आपका कंसेप्चुअल स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर हम मिडल लेवल मैनेजर्स की बात करें, सो मिडल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनको क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक सेंटर में रखकर ह्यूमन एलिमेंट को मैनेज करना होता है। सो यहाँ पे जो मिडल लेवल मैनेजर होते हैं उनको ह्यूमन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। चलिए, अगर हम लोअर लेवल मैनेजर्स की बात करें, सो यहाँ पे अगर लोअर लेवल मैनेजर्स हैं तो उनको वर्किंग ज़्यादा करनी होती है, ना कि पॉलिसी मेकिंग या फिर मैनेजिंग। सो यहाँ पे अगर हम लोअर लेवल मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे उनकी टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं उनकी टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो रॉबर्ट एल कैट ने उनको मैनेजर्स की स्किल्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका स्किल कैसा होना चाहिए, कंसेप्चुअल। मिडल का ह्यूमन स्किल्स ज़्यादा अच्छे होने चाहिए एंड जो लोअर लेवल है उनके टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे पूछा गया आपसे मिडल लेवल का, तो मिडल लेवल का कौन सा स्किल होगा, यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अब देखिए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आती है, जिसके अंदर टेलर, फ्योल एंड मैक्स वेबर ने अपनी कुछ थ्योरी दी थी, जिसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी आई थी। तो चलिए, अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें, यहाँ पे उन्होंने वर्कर के एफिशिएंसी की बात की थी कि वर्कर से कितने टाइम तक काम कराना चाहिए, किससे उनकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली कैसे किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस पर उन्होंने फोकस किया था। यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को बिल्कुल फॉलो नहीं किया था। लोगों से किसी भी तरीके से काम कराया जाना चाहिए, उनकी पर्सनल नीड्स को इग्नोर करते हुए केवल हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को देखेंगे। सो यहाँ पे जो क्लासिकल थ्योरी थी, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे। सो यहाँ पे अगर हम देखें क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के क्या क्या कौन सा फीचर नहीं है, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे कहा गया है कि इम्पैक्ट हमें देखना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे देखना है, सो यहाँ पे हम केवल ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर नहीं करें, पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी में बेसिकली क्या हुआ था कि उन्होंने केवल ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया था। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए होगा वो इनकरेक्ट होगा, ये जो है आपका इनकरेक्ट है। चलिए हम सेकंड देखते हैं, साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मैन वर्क। यस, हर एक चीज़ का साइंटिफिक मेथड बताया गया था इसके अंदर, टेलर प्रिंसिपल के अंदर, जिसके अंदर आपका टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी, ये सब चीज़ें फॉलो की गई थी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। चलिए सी देखते हैं, इग्नोर द इनफॉर्मल एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, इनफॉर्मल एलिमेंट होता है बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी के साथ होना, इनफॉर्मल ग्रेपवाइन चेन बनना, सो इस टाइप की चीज़ों को इन्होंने इग्नोर करा था। सो यहाँ पे सी जो है करेक्ट है आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, डू नॉट फॉलो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू वर्क। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को बिल्कुल फॉलो नहीं किया था, जैसा कि हमने पहले बताया। सो यहाँ पे जो आपका सी है ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी का, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है,
which of the following study are not a part of Hawthorne studies conducted by George Elton Mayo. अब देखिए यहाँ पे जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आई थी, इसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी आई थी जिसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया था. तो इसके एक थ्योरिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज एल्टन मायो. जॉर्ज एल्टन मायो ने क्या किया, एक हॉथोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. इसके अंदर इन्होंने एक इनफॉर्मल एलिमेंट को कंसीडर किया और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को कंसीडर किया इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये पाया गया कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. इसके अंदर कई सारे टेस्ट भी कंडक्ट किए गए थे. तो इन्होंने पूछा है कि इसमें से हॉथोन एक्सपेरिमेंट में कौन सा टेस्ट नहीं कंडक्ट किया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ हॉथोन स्टडीज. सो हॉथोन स्टडीज के अंदर से कौन सा पार्ट नहीं था. तो देखिए इसके अंदर बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट तो पार्ट उसका था. सो यहां पे जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है. बी देखिए इसके अंदर रिले एक्सपेरिमेंट रूम एक्सपेरिमेंट भी आपका पार्ट था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी आपका पार्ट था. अब देखिए अगर डी की बात करें साइकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, ये इसका पार्ट नहीं था. तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. सो देखिए ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है, तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइए तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्टली आते हैं. जॉर्ज एल्टन मायो कंडक्टेड हॉथोन एक्सपेरिमेंट इन विच इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वाज वन ऑफ देम. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हॉथोन एक्सपेरिमेंट के कुछ टेस्ट थे जिसके अंदर से एक इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी एक टेस्ट था. सो इसमें से क्या पूछा गया आपसे, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, उसका कंक्लूजन क्या था. सो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय लाइटिंग लेवल. अगर कह रहे हैं कि अगर लाइटिंग ज़्यादा हो या लाइटिंग कम हो तो इससे प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आता है. सो क्या ऑप्शन ये करेक्ट है, ये जो है आपका इनकरेक्ट है. देखिए यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था उसका कंक्लूजन ये निकला था कि अगर लाइटिंग ज़्यादा हो या कम हो इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता. और उसका कंक्लूजन बेसिकली हाइपोथेसिस बनाए गए थे और हाइपोथेसिस ने ये कंक्लूड किया था कि प्रोडक्टिविटी का कोई कोरिलेशन नहीं है लाइटिंग लेवल के साथ. तो चलिए हम अगला ऑप्शन देखते हैं, बी प्रोडक्टिविटी हैज नो कोरिलेशन विद लाइटिंग लेवल. तो उसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, लाइटिंग लेवल हैज इफेक्ट ऑन वर्कर बिहेवियर. देखिए इररेलेवेंट सा कोई ऑप्शन है, सो इसका सी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, देयर इज अ साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द लाइटिंग लेवल एंड द एम्प्लॉय साइकोलॉजी. सो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे कह रहा है साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है लाइटिंग लेवल और एम्प्लॉय साइकोलॉजी के बीच में. सो ये बेसिकली ये हो सकती है, मे बी इस पर टेस्ट कंडक्ट किया जाए तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन ये बेसिकली उसका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं था. सो हम इसको इस पॉइंट के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते. चलिए तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चन है हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ही होंगे. तो चलिए आज के लिए हम कंक्लूड करते हैं. अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए. और अगर यूजीसी नेट मैनेजमेंट अगर आप दिसंबर का अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं सो आप हमारा कोर्स पैक ले सकते हैं. तो उसकी प्राइसिंग वगैरह भी आप हमारी वेबसाइट में डिटेल में डिस्कस की गई हैं और इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं. Thank you for watching our video. Thank you so much.